ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि इस बार दिवाली की रौनक हर साल की दिवाली की रौनक की तरह शायद ना रहे। वजह शायद GST भी हो सकता है। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं एक गाड़ी खरीदने गया था, सेकेंड हैंड गाड़ी, पर GST किसी ने 18% मांगा, किसी ने 28% मांगा। मतलब जो 10 लाख की गाड़ी है, आप समझ सकते हो गाड़ी मुझे कितने की पड़ेगी। तो एनीवेज, हो सकता है मुझे GST समझ में नहीं आया हो या सामने वाला मुझे समझा नहीं पाया हो, क्योंकि आधे लोगों को, आधे क्या, ऑलमोस्ट 90% लोगों को एक्चुअल में GST क्या है पता भी नहीं है। माल और सेवा कर, मतलब GST रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों की वजह से आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए व्यापारियों की परेशानियाँ बढ़ गई है। उनका ये कहना है कि ईद राखी पर कारोबार पहले ही कमज़ोर रहा, अब दीपावली का समय आ रहा है लेकिन बाज़ार में रौनक नहीं दिखाई दे रही है। पहले नोटबंदी का असर रहा तो अब GST नेटवर्क में आ गई दिक्कतें, परेशानी का सबब बन रही है। GST भरने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। व्यापारियों का कहना है कि कारोबार के बजाय इस समय उनका सारा ध्यान GST रिटर्न भरने पर है। व्यापारियों के एक महीने में 3-3 फॉर्म GST R1, 2, 3 जमा कराने पड़ रहे हैं। केवल व्यापारी ही नहीं, कर सलाहकार और चार्टेड अकाउंटेंट भी रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों को स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि GST परिषद को इसे सुगम बनाने की दिशा में तत्काल कदम उठाना चाहिए। व्यापारी प्रमुख संगठन कॉन्फेडरेशन ऑल ऑफ इंडिया ट्रेडर्स का कहना है कि यदि यही हालात रहे तो व्यापारियों को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ सकता है। लोगों का कहना है, उस एसोसिएशन का कहना है कि GST क्रियान्वयन के 75 दिन व्यापारियों के लिए परेशानी भरे रहे। कैट ने 18 और 19 सितंबर को सूरत में व्यापारी नेताओं की बैठक बुलाई जिसमें GST को लेकर आ रही दिक्कतों पर चर्चा की जाएगी। GSTN पोर्टल पर दिक्कतें आ रही जिसकी वजह से सरकार लगातार रिटर्न भरने की तारीख आगे बढ़ा रही है। जिस तरह आयकर रिटर्न भरने में मदद के लिए TRP टैक्स रिटर्न रिपेयरर की सुविधा है, तो ऐसा ही प्रावधान GST में भी किया गया है, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इसके लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। बहुत से छोटे व्यापारी अभी तक सिर्फ बही खातों पर काम करते रहे, अब उन्हें न केवल कंप्यूटर लगाना पड़ रहा है बल्कि ऑनलाइन रिटर्न भी जमा करानी पड़ रही है। तो इस पर रिटर्न दाखिल करने वाले पोर्टल का ठीक से काम नहीं करना उनके लिए और परेशानी का सबब बन जाता है। GST को एक्चुअली में जल्दबाजी में लागू किया गया, व्यापारी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए। व्यापारी GST रिटर्न दाखिल करने की GSTNL पोर्टल पर जाते हैं तो ये काम नहीं करता है, कभी इंटरनेट सुस्त पड़ जाता है तो कभी सिस्टम हैंग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सारा ध्यान सिर्फ इसी पर लगा है कि कारोबार पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिल पाता है। अधिकतर व्यापारियों का यही कहना है। कन्फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो हेड हैं उनके अनुसार GST की वजह से इस बार दिवाली में बाहर का जो व्यापारी है वो बाकायदा उस शहर में आके धंधा नहीं कर रहा। बाहर के छोटे कारोबारियों का GST पंजीकरण नहीं है, तो ऐसे में इस बार वे बड़े शहरों में जाके खरीद बिक्री करने से बच रहे हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।